हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो बिगिनर्स हो चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हो, वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आज जो हम करने वाले हैं वो ये है कि ये सारे जितने भी ये हमारा फ्रेट बोर्ड है, इस फ्रेट बोर्ड में जितने भी नोट्स होते हैं वो सारे आज हम फाइंड आउट करेंगे कि ये नोट डी कैसे हुआ, ये नोट एफ कैसे हुआ, ये नोट जी कैसे हुआ, ये नोट डी कैसे हुआ, ये सी कैसे हुआ, ये जी कैसे हुआ, ये सारे नोट जितने भी, ये जी है, ये ए है, ये सी है, ये सारे नोट फाइंड आउट करने हैं। जितने भी हमारे फ्रेट बोर्ड के अंदर नोट्स, फ्रेट नोट्स होते हैं वो सारे आज हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये सब जानने के लिए कि कौन सा हमारा कौन सा नोट है, तो ये सब जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये फ्रेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितनी बॉक्सेस हैं, ये फ्रेट बोर्ड होता है। ठीक है, इसको नेक बोलते हैं पोर्शन को, और जो ये फ्रंट का जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम फ्रेट बोर्ड। बिकॉज ये जो एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम बॉक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रेट। ये फर्स्ट फ्रेट है, ओके, ये सेकंड फ्रेट है, ये थर्ड फ्रेट है, जहां पर ये डॉट दिख रहा है, इस डॉट को बोलते हैं पोजीशन मार्क। ये पोजीशन हमें बताता है, एक ये होता है और एक इधर होता है ऊपर बना हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका ये बना होगा इधर, ठीक है। और फ्रेट को सबसे आसान तरीके से ये पोजीशन मार्क से आप याद कर लो, ये थ्री फ्रेट है, थर्ड फ्रेट है, ये फिफ्थ फ्रेट है, ये सेवंथ फ्रेट है, ये नाइन्थ फ्रेट है, ये ट्वेल्थ फ्रेट है। फिर जैसे मुझे एट पे जाना होगा तो मुझे डायरेक्ट सेवन दिखेगा और उससे एक आगे लूंगा मैं, तो ये मैं एट पे एकदम से पहुंच जाऊंगा। ऐसे अगर मैं काउंट करने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बहुत देर लगेगी इसमें। इसलिए ये पोजीशन जो डॉट की है ना, इसको याद कर लो, ये तीन पे है, ये पांच पे, ये सात पे, ये नौ पे, ये बारह पे। तो अगर मुझे टेंथ फ्रेट पे जाना है तो 12 से दो पीछे, ना कि मैं एक से गिनना शुरू करूंगा 10 तक, ऐसा नहीं करना। सो ये नेक हो गया और ये बॉक्स जो हो गए ना, इनको बोलेंगे फ्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12th पे डबल डॉट हमेशा हर गिटार में आपको मिलेगा। ये क्यों मिलता है? बिकॉज ये जो होता है ना, ये मिड पोर्शन होता है गिटार का। एक गिटार के अंदर मैक्सिमम 24 फ्रेट आ सकती हैं, 24 फ्रेट्स, उससे कम हो सकती हैं पर 24 फ्रेट से ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी एक गिटार के अंदर। ठीक है, इसमें भी कम है, सब में कम मिलेगी आपको, मोस्टली 90% गिटार्स में कम मिलती है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहां पर डबल डॉट देके रखते हैं, बिकॉज ये मिड पोर्शन होता है। तो ये आप समझ में आया, ये डबल डॉट क्यों होता है, बिकॉज ये मिड पोर्शन, वो इंडिकेट करते हैं कि भाई ये जो है ये मिड पोर्शन है आपका और ये जो है 24 फ्रेट्स का है। ठीक है, ये तो इससे कम है पर 24 फ्रेट्स के भी गिटार आते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसमें 24 फ्रेट्स होते हैं और ये इसका मिड पोर्शन होता है। अब हमें पता करना है स्ट्रिंग्स के नाम। अगर हमें नोट्स फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हमें स्ट्रिंग्स के जो नाम होते हैं ना, वो पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से सिक्स्थ स्ट्रिंग, ये होती है सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग, कौन सी है, पहली तार है, फर्स्ट स्ट्रिंग है, देन सेकेंड स्ट्रिंग, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो सबसे ऊपर पहुँचते पहुँचते छः हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छः तार हो गई हैं। ऊपर से गिनूंगा मैं, 6 5 4 2 3 1, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गए। अब मैं इसको इजीली याद करने का आपको तरीका बताऊंगा, स्ट्रिंग्स के नाम कैसे इजीली हम याद कर सकते हैं। देखो, ऊपर से हम याद करेंगे, ठीक है, ई ए डी जी बी ई, ये स्ट्रिंग्स के नाम मैं बता रहा हूं आपको। पहली ये जो सिक्स स्ट्रिंग है इसका नाम है ई, फिर ए, फिर डी, फिर जी, फिर बी, फिर ई। तो आपको तीन तीन करके याद कर लो, अगर आप इसको 10 बार भी बोलोगे ना तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ई ए डी जी बी ई, 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 ऐसे करके 10-15 बार बोलोगे ना अपने आप याद हो जाएगा यार। ई ए डी जी बी ई, ए डी जी बी ई, ऐसे करके, ठीक है, ई ए डी जी बी ई। तो अब स्ट्रिंग के नाम पता लगे। अब इसमें क्या होता है ना सर, अब हम नोट्स फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल में हमें फ्रेट पता होने चाहिए उसके लिए, और हमें पता होना चाहिए स्ट्रिंग्स के नाम, बस फिर हम सारे नोट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे मैं फर्स्ट फ्रेट में, अब मुझे ओपन स्ट्रिंग्स के नाम तो पता लगे, यानी कि ओपन तो नोट्स मुझे मालूम चल गया, ई ए डी होता है, जी बी ई होता है। अब मुझे फर्स्ट फ्रेट के फाइंड आउट करने हैं सारे नोट, कैसे? तो अभी क्या करेंगे, देखो मैं यहां पर शो भी करूंगा आपको। ए से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ए से लेके ए तक जब मैं जाऊंगा ना, तो ए के बाद डायरेक्ट बी नहीं आता है, ए के बाद बीच में ए शार्प आता है, फिर बी आता है,
फिर ई और बी का शार्प नहीं होता, तो ए ए शार्प, यानी कि शार्प का मतलब क्या होता है कि जब हम हाफ स्टेप, जैसे मैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको बोलूंगा कि मैं हाफ स्टेप आगे जाना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश लैंग्वेज में, फॉरवर्ड, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलूंगा, आगे। ऐसी म्यूजिक की भी एक लैंग्वेज होती है, म्यूजिक में आगे जाने को बोलते हैं हम शार्प, ठीक है। शार्प यानी कि पेंसिल कभी शार्प करी होगी आपने, शार्पनर से बारीक हो जाती है, तो ऐसे जैसे शार्पनर से हम पेंसिल शार्प करते हैं, ऐसे हम नोट्स भी शार्प करते हैं, तो नोट भी बारीक हो जाते हैं। बारीक यानी कि थोड़ी बारीक पतली आवाज आने लगती है उसकी, जैसे इस स्ट्रिंग की आवाज अभी देखो आप, ये ऐसे, अब मैं फ्रेश फर्स्ट फ्रेट पे इसको प्रेस करूंगा तो थोड़ी बारीक हो गई, थोड़ा और आगे करूंगा तो और बारीक हो गई, थोड़ा और पतली होती जाती है आवाज। और इसी पतलेपन को बढ़ाना, यानी कि जितनी आवाज बारीक होती जाएगी उतना स्केल हाई होता जाएगा। अगर मैं कंपैरिजन में बताऊं, मेरे कंपैरिजन में जैसे मेरा जो स्केल है गले का, तो मेरी आवाज जो है थोड़ी भारी है, ठीक है, और मेरे कंपैरिजन में बच्चे की आवाज क्या होगी, पतली होगी, तो उसकी आवाज क्या होगा, उसकी आवाज हाई होगी, उसका पिच हाई होगा। यानी कि जो गर्ल्स की आवाज है बेसिकली वो देखी जाती है कि हाई पिच होती है उनकी, ठीक है, यानी कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनकी वॉइस जो है थोड़ी भारी होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मीडियम होती है या कुछ बारीक भी आवाज होती है, तो उनकी पिच हाई होती है। जिसकी पिच हाई होती है उसकी आवाज बारीक होती है, यानी कि जिसकी आवाज बारीक है उसकी पिच हाई है, जिसकी आवाज मोटी है भारी है उसकी पिच लो है, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी, यानी कि उसका स्केल जो है लो है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दो दो तीन तीन स्केल कॉर्ड दे के रखते हैं, एक ये सी कॉर्ड है लो पिच में, एक ये मिड में है, एक ये हाई है, ठीक है, तो तीनों क्या ना, लो पिच मिडिल और हाई। तो ऐसे ही आवाज भी होती है, अलग अलग आवाज होती है सबकी। तो ये तो हमें मालूम चल गया कि आवाज बारीक होती रहेगी तो हाई होता रहेगा स्केल, आवाज पतली होती रहेगी तो हाई होगा, और जब आवाज भारी होगी मोटी होती रहेगी तो स्केल लो होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई स्केल हाई और लो। अब हमें यहां पर क्या है, हाफ शार्प माने स्केल हाफ नोट हाई करना होता है, ठीक है। तो अभी ये पहली तार के बारे में सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, पहले सारी पहली तार के सारे नोट्स फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कौन सी, ये स्ट्रिंग है ई। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि बी और ई का शार्प नहीं होता है, ठीक है, ई और बी का शार्प नहीं होता है। तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, अब ये ए बी सी डी की तरह आगे बढ़ते हैं, ए से स्टार्ट करोगे तो ए पे जाके रुकोगे, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। म्यूजिक में देर आर ओनली 7 अल्फाबेट्स, 7 अल्फाबेट्स होते हैं सिर्फ म्यूजिक में, ठीक है, पर ये 7 जो होते हैं उनके दो दो रूप होते हैं, जैसे ए हो गया ए शार्प बी हो गया, फिर बी होगा फिर बी का शार्प नहीं होता तो सी, फिर सी शार्प, फिर डी शार्प, फिर ई, फिर एफ, क्योंकि ई का शार्प नहीं होता तो डायरेक्ट एफ, फिर एफ शार्प, फिर जी, जी शार्प, फिर दोबारा ए, और ऐसे यही सर्कल चलता रहता है। तो अभी यहां पर लिखा है ई, ये स्ट्रिंग ओपन क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग ई है, तो ये ई हो गया। अब यहां पे मैं प्रेस करूंगा तो इसको क्या कहूंगा, ई का शार्प नहीं होता तो ये हो गया एफ, फिर हाफ नोट और आगे लाऊंगा तो हाफ नोट, ये एफ था, अब हाफ नोट यानी कि एक फ्रेट आगे जाना है मुझे तो हाफ नोट मेरा बढ़ जाएगा, तो मैं बोलूंगा इसको एफ शार्प, फिर मैं हाफ नोट और आगे जाऊंगा तो क्या कहलाएगा, जी, ठीक है। अगर F से मैं डायरेक्ट G पे आऊंगा तो ये पूरा मेरा एक कहता है होल नोट, यानी कि पूरा एक नोट इंक्रीज कर दिया। अगर मैं F से हाफ नोट इंक्रीज करूंगा बस, यानी कि तो ये कहलाएगा F शार्प, और F से मैं पूरा G तक जाऊंगा तो होल नोट, तो ये हाफ नोट करूंगा तो F शार्प, और अगर पूरे दो फ्रेट आगे जाऊंगा तो G कहलाएगा, ठीक है। तो F, F शार्प, G, थर्ड फ्रेट में फर्स्ट स्ट्रिंग G होती है, फिर ये क्या कहलाएगा, G शार्प, फिर ये नोट क्या होगा, जी शार्प के बाद क्या होता है, ए, फिर ए शार्प के बाद क्या है, ए के बाद क्या आएगा, ए शार्प, फिर ए शार्प के बाद क्या आएगा, बी, फिर बी के बाद बी का शार्प नहीं होता तो डायरेक्ट सी, फिर सी शार्प, फिर डी, फिर डी शार्प, और फिर ये ई, यानी कि जो ओपन स्ट्रिंग है ना ई, वो ही ये फ्रेट है ई, 12th में भी वही मिलेगा। जो आपको ओपन आप बजाओगे, यानी कि ओपन यानी कि कुछ नहीं पकड़ना, सिर्फ तार को ऐसे करना है, तो ये ओपन कहलाता है। अगर ओपन आप बजाओगे तो यह है ई, और 12th फ्रेट में भी ई नोट है, जो ओपन है वही, यानी कि ये आपका ओपन है, ठीक है, ये हाई, ये लो है, ये हाई हो गया।
तो इसीलिए ये मिड पोर्शन है। इसके बाद ये जो फ्रेट है ना 13th फ्रेट, ये आपका जो यहां पर नोट था एफ, वो ही सेम यहां पर मिलेगा आपको 13, यानी कि यहां पर ये कौन सा है एफ, तो 13 में भी एफ मिलेगा। ये 2 में कौन सा है एफ शार, तो 14 में भी एफ शार मिलेगा, ठीक है। और फिर 15 में भी आपको जी मिलेगा। देखो 1 2 3 थर्ड फ्रेट में डॉट है, यहां पर देखो ये ओपन हो गया, सपोज 12th फ्रेट ओपन है तो ये 1 काउंट करेंगे 13 को, 1 2 3, ये क्या है थर्ड फ्रेट में डॉट मिल गया ना 1 2 3, यानी कि जो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे पहुंच गए, तो ये जो 13 है ना यहां से फिर आप फ्रेट काउंट करना शुरू करो। ये सेम नोट्स, जो सेम नोट यहां पर है वो ही सेम नोट यहां पर मिलेंगे आपको, बट ये लो पिच में हो गया, ये हाई में हो गया। तो ये 1, ये फर्स्ट फ्रेट हो गया, ये सेकंड फ्रेट, ये थर्ड फ्रेट पे डॉट मिलेगा आपको, फोर्थ और फिफ्थ में फिर डॉट मिलेगा, देखो यहां पर भी डॉट, फिफ्थ में यहां पर भी डॉट है, फिर सिक्स फ्रेट, फिर सेवन फ्रेट, फिर एट और नाइन्थ, ये है नहीं क्योंकि यहां पर, ठीक है। तो जो फ्रेट ये है वही सेम फ्रेट ये होते हैं, जो नोट्स यहां पर हैं वही नोट यहां पर 13 से वही नोट शुरू हो जाते हैं। ये फर्स्ट फ्रेट है और ये यहां से फर्स्ट फ्रेट है ये, ठीक है। तो इसलिए ये 12th जो है मिड पोर्शन है, यानी कि ओपन स्ट्रिंग प्ले कर दो या इनको सबको दबा दो, ये एक ही बात है, ठीक है। फर्स्ट फ्रेट ये है तो ये भी फर्स्ट फ्रेट कहलाएगा 13th फ्रेट। ऐसे ही सेम आप सेकंड स्ट्रिंग का निकालोगे, सेकंड स्ट्रिंग का नाम मैंने क्या बताया था बी, तो बी का शार्प भी नहीं होता, तो ये क्या आएगा नोट सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट में सी, बी का शार्प नहीं होता तो जाहिर आएगा सी, फिर क्या आएगा सी शार्प, फिर क्या आएगा डी, फिर क्या आएगा डी शार्प, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा ई का शार्प नहीं होता तो एफ, एफ शार्प, फिर जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, जो ओपन बी था वो यहां पर भी मिल गया आपको 12th फ्रेट में बी, यानी कि ओपन स्ट्रिंग बजाओ या इसको बजाओ, ये दोनों सेम नोट है। फिर उसके बाद ये 13th फ्रेट आ गया, यानी कि ये फर्स्ट फ्रेट आ गया, ये सी था यहां पर तो 13 में ये यहां पर सी होगा, 2 में सी शार्प था तो 14 में सी शार्प होगा, फिर थर्ड फ्रेट में यहां पर क्या था डी, तो यहां पर भी डी मिलेगा आपको, सेम नोट रिपीट होंगे 13 से, सेम नोट रिपीट है 13 14 15 1 2 3, सेम है। अब हम चलते हैं थर्ड स्ट्रिंग की तरफ, थर्ड स्ट्रिंग भी आप सेम ऐसे ही करोगे, ये जी है, ये क्या कहलाएगा हाफ नोट इंक्रीज कर दे जी शार्प, फिर ये ए, फिर ए शार्प, फिर बी, फिर बी का शार्प नहीं होता सी आ गया, फिर सी शार्प, फिर डी, डी शार्प, फिर ई, ई का शार्प नहीं होता एफ, एफ शार्प, फिर ये जी, थर्ड स्ट्रिंग जी थी ओपन, ये भी जी हो गया, फिर ये जी शार्प, फिर ए, फिर सेम वही 12th के बाद सेम रिपीट होगा, फिर ऐसे ही फोर्थ स्ट्रिंग में ये कौन सा नोट है, ये कौन सी है डी, तो ये फोर्थ में फर्स्ट फ्रेट कौन सा है हाफ नोट इंक्रीज करेंगे तो डी शार्प, फिर ये ई, फिर F, E का शार्प नहीं होता F शार्प, G, G शार्प, A, A शार्प, B, फिर B का भी शार्प नहीं होता C, C शार्प, फिर D, ये स्ट्रिंग D थी तो ये D पहुंच गया, फिर ऐसे फिफ्थ स्ट्रिंग है A, तो ये क्या क्या लाएगा A शार्प, फिर ये B, फिर B का शार्प नहीं होता तो C, C शार्प, D, D शार्प, E, E का शार्प नहीं होता F, F शार्प, G, G शार्प, A, ये स्ट्रिंग A थी तो 12th फ्रेट पे भी A हो गया। उसके बाद फिर A शार्प, फिर B, फिर C, थर्ड फ्रेट में C था यहाँ पर, फिफ्थ स्ट्रिंग में यहाँ पर भी 15th फ्रेट में C है, तो ये 13, 14, 15 सारे सेम 12th तक सेम चलता रहेगा। तो फिर ये दोबारा से ई स्ट्रिंग आ गई, ये जो है ई स्ट्रिंग, अब मैंने हाई और लो का बताया था, जो पतली आवाज होगी वो हाई होगी, जो मोटी आवाज होगी वो लो होगी। यहां पर देखो एग्जांपल, ये स्ट्रिंग का नाम भी ई है, जो नीचे वाली स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग, और ये वाली स्ट्रिंग का नाम भी ई है, तो ये जो पतली आवाज है ये क्या हो गई हाई हो गई, और ये जो मोटी वाली आवाज है ये क्या होगी लो हो गई, तो ये ई हाई स्ट्रिंग है और ये ई लो स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से हमें सारे नोट्स फाइंड आउट करने हैं और इनको प्रॉपर याद भी करना है, हर एक जगह से स्केल भी बजाना है। इससे पहले जो मैंने स्केल एक बताया था आपको कि ऑल माइनर स्केल इन वन पैटर्न, ऑल मेजर स्केल इन वन पैटर्न, तो वो ऐसे ही था, जो ए था ए से मैंने स्केल स्टार्ट कर दिया, फिर ये बी नोट आया बी से मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर ये सी नोट आया सी से स्टार्ट कर दिया,
फिर ये डी नोट आया, डी से स्टार्ट करते हैं सरगम बजाना। अगर वो ये सरगम के लिए वो लेसन आप देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा, ऑल माइनर एंड ऑल मेजर्स का। ऐसे ही सेम ब्रदर, एक टिप और देता हूं आपको, ऐसे ही सेम जैसे ही हमने नोट्स फाइंड आउट किए ना, ऐसे ही कॉर्ड्स भी फाइंड आउट होंगे। देखो कितना सिंपल है, देखो ये डी कॉर्ड से फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, केज सिस्टम होता है एक, ठीक है, अगर वो नहीं मालूम है तो उसके लिए मुझे बताएंगे तो मैं उसके लिए जरूर एक लेसन आपके लिए बनाऊंगा। तो ये जैसे डी कॉर्ड है और ये नोट कौन सा है, डी नोट है, थर्ड स्ट्रिंग में ये वाला नोट जो है, सेकेंड स्ट्रिंग में ये वाला जो नोट है वो डी है। ये डी कैसे हुआ, ये बी है, ये सी है, ये सी शार्प है और ये हो गया डी। तो मैंने यहां पर ले लिया डी कॉर्ड। अब इसको मैं हाफ नोट आगे कर दूंगा एक एक सबको, इस ये थर्ड पे था इसको फोर्थ पे ले आया और ये दोनों सेकंड पे थे इसको थर्ड पे ले आया, एक ही फ्रेट आगे गया हूं। तो ये कॉर्ड कौन सा बन गया, ये कॉर्ड भी चेंज हो गया, अब ये कॉर्ड बन गया डी शार्प। अब मैं इसको हाफ नोट और आगे ई, फिर एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, देखो ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है, कॉर्ड्स भी सारे ऐसे जाएंगे। जैसे ए माइनर कॉर्ड है, हाफ नोट आगे ले लूंगा ए शार्प माइनर, हाफ नोट और आगे ले लूंगा बी माइनर, हाफ नोट और आगे ले लूंगा सी माइनर, सी माइनर, सी के बाद क्या आता है, माइनर तो है ही, वो सी माइनर था तो आगे ले लिया तो सी शार्प माइनर हो गया। फिर आगे ले लिया डी माइनर आ गया, डी माइनर है तो इसको शार्प बना दूंगा तो डी शार्प माइनर कहलाएगा ये, सेम है। ऐसे ही एफ कॉर्ड है, एफ हो गया, एफ को हल्का सा आगे लोगे तो हाफ नोट एफ शार्प हो गया, और हाफ नोट आगे लोगे तो जी, और हाफ नोट आगे लोगे तो जी शार्प, फिर ए। तो इस तरीके से ये चलेगी ए, तो ये सारे इस तरीके से आपको कॉर्ड्स भी और नोट भी फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये लेसन आपको कुछ समझ में आया होगा, इसमें नोट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो पता लगा होगा, उसको फाइंड आउट करो, जितना ज़्यादा फाइंड आउट करोगे वहीं से स्केल प्ले करना शुरू कर दो। सारेगामा, सारेगामा के लिए मैं एक बहुत ही इजी तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हिंदी में सी को सा बोलते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें सी पता होना चाहिए, सी यानी कि सा, ठीक है। फिर डी को क्या बोलेंगे, रे। ऐसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि एक शार्प, जैसे सी का स्केल होता है उसमें कोई शार्प नहीं आता है, ठीक है, देर इज नो शार्प इन सी स्केल। और जैसे जी हो गया तो जी के स्केल में एक शार्प आता है, कौन सा, एफ शार्प आता है। ऐसे डी का स्केल है, डी के स्केल में दो शार्प आते हैं, कौन कौन से, एफ शार्प और डी शार्प। अगर आपको ये पता है तो आप कॉर्ड्स भी फाइंड आउट कर सकते हो अपने खुद से इजीली, ठीक है। सो ये जो लेसन था एक्चुअल में, ये लेसन फ्रेट बोर्ड के जो नोट होते हैं ना, नोट फाइंड आउट करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नोट फाइंड आउट अगर नहीं पता होंगे तो हम कॉर्ड्स भी नहीं समझ पाएंगे और लीडिंग तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो आई होप कुछ समझोगे आप, थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तब जाके कुछ अचीवमेंट हासिल होगी। गिटार में जो प्रैक्टिस करता है वही सबसे आगे रहता है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।